My friend, मेरे दोस्तों, I want to share with you the immortal promise of Jesus. मैं यीशु के अमर ऐसे प्रतिज्ञा को आपको बताना चाहता हूँ. Ask and it will be given to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. Seek and you will find. ढूंढो तो तुम पाओगे. Knock and it will be opened to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. Luke chapter 11 and verse 9. लूका अध्याय 11 वचन 9. And he says, ask anything in my name, the name of Jesus, and I will do it. उसने कहा, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगो और मैं तुम्हें वो दूंगा. A family received this blessing. एक परिवार ने इस आशीष को पाया है. उमा रानी. Husband is Santosh. इनके पति का नाम संतोष है. They got married in 2017. 2017 में इनकी शादी हो गई. And in 8 months time after marriage, they had misunderstandings between themselves. और विवाह के 8 महीने के बाद इन दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई. And the problems increased. Finally, they got separated. और समस्याएं बढ़ती चली गई और आखिरकार ये एक दूसरे से अलग हो गए. And he became a drunkard. और जो पति था वो तो शराबी बन गया. The wife was heartbroken. पत्नी का दिल टूट गया था. 2 years passed by. और 2 साल ऐसे बीत गए. After that, she came back to the husband and they started living together. और 2 साल के बाद वो अपने पति के पास वापस आई और वो फिर से एक साथ रहने लगे. But the husband had lot of suspicions about her because of the 2 year separation. लेकिन पति जो है वो 2 साल उसकी पत्नी उससे दूर रही गई थी, इसलिए उस पर बहुत सा संदेह कर रहा था. And his drinking also increased. और उसका शराब पीना भी बढ़ता चला गया. It was at this time Uma Rani's auntie took her to the Jesus Calls prayer tower. और ऐसे समय में उमा रानी की आंटी उसे Jesus Calls prayer tower में लेकर गई. There she gave her request at the prayer tower to the prayer intercessors. और वहां पर prayer tower में प्रार्थना मध्यस्थों को उन्होंने अपनी प्रार्थना बिनती दी. The prayer warriors prayed incessantly. और बहुत ही भावुक होकर बहुत ही बड़े जोर के बोझ के साथ में प्रार्थना योद्धा ने प्रार्थना की. Every day all these prayer requests are sent to me. हर दिन ये सारी प्रार्थना निवेदन मुझे भेजे जाते हैं. I also pray for them wherever I am. और मैं चाहे जहां भी रहूं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं. After that amazingly the husband slowly stopped drinking. और उसके बाद में बहुत ही अद्भुत रीति से पति जो है वो धीरे-धीरे उसने शराब पीना बंद कर दिया. And his suspicions about the wife also started going away. और पत्नी के बारे में उसका जो संदेह था वो भी दूर होता चला गया. Amazingly he started speaking peacefully to his wife. बड़े अद्भुत रीति से वो अपनी पत्नी से बड़ी शांति से बात करने लग गया. And following that she got a good job in a hospital according to her education. और फिर उसके बाद में उसकी पढ़ाई के अनुसार उसे हॉस्पिटल में एक अच्छी नौकरी मिल गई. Today all their sorrows have turned into joy because of Jesus. आज उनके सारे दुख यीशु के कारण आनंद में बदल गए हैं. Jesus says, ask and I will give you all that you ask so that your joy will be full. Because of my name. यीशु ने कहा, जो भी तुम चाहो मांगो और मैं तुम्हें दूंगा ताकि मेरे नाम में तुम्हारा आनंद पूरा हो सके. God will do it for you. मैं इसे तुम्हारे लिए करूंगा. Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं. I want to pray for you right now. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Pour out your heart to Jesus. अपना हृदय प्रभु यीशु के सामने उंडेल दीजिए. Jesus has gone through every pain, every sorrow that you are going through right now. आप अभी जिस दुख और दर्द में से होकर जा रहे हैं, प्रभु यीशु उन सब में से होकर गए हैं. He carried your pain, your sorrows through his suffering on the cross. क्रूस पर अपने दुख उठाने के द्वारा उसने आपके सारे दुख और दर्द को अपने ऊपर उठा लिया. And he overcame them. और वो उनके ऊपर में जयवंत हो गए. Rose up from the dead. और मुर्दों में से जी उठे. Today he has the power to deliver you and build your home. आज उसके पास सामर्थ्य है कि आपको छुटकारा दे और आपके घर को बनाए. He has the love and the power to unite you as husband and wife and make you enjoy every blessing. उसके पास में इतनी सामर्थ्य है कि पति और पत्नी के रूप में आपको फिर से एक साथ जोड़े ताकि आप हर एक आशीष का आनंद उठाने पाए. Lord Jesus. प्रभु यीशु.
If there is misunderstanding between the husband and the wife, पति और पत्नी के बीच में अगर किसी तरह से कोई गलतफहमी है, today enter into their hearts, Lord Jesus, and unite them with your love. आज प्रभु इनके हृदय में आप प्रवेश कीजिए और अपने प्रेम से इन्हें एक साथ जोड़िए. Miraculously unite them. बड़ी चमत्कारी रीति से इन्हें जोड़िए प्रभु. Let every suspicion spirit leave in Jesus' name. कि संदेह करने वाली हर एक आत्मा यीशु के नाम में छोड़कर चली जाए. And let there be unity and faithfulness between the husband and the wife. पति और पत्नी के बीच में एकता हो और विश्वास योग्यता हो. Unite them. इन्हें एक कीजिए. Let them enjoy a joyous family life. और ये बड़े आनंद से अपने पारिवारिक जीवन का आनंद उठाने पाए. Let them start working together in the family. और ये परिवार में एक साथ मिलकर काम करने वाले बने. Let the children grow up with utmost security because daddy and mommy are so happy. माता पिता दोनों खुश है ये देखकर बच्चे पूरी सुरक्षा में बढ़ते चले जाए. Bless this family, Lord. इस परिवार को आशीष दीजिए. And father. और पिता. Give the right job. इन्हें सही काम दीजिए. Let them be settled. और ये स्थापित हो जाए. Let there be financial blessings in the family. और परिवार में आर्थिक आशीषें हो. And if anyone is addicted in the family to evil habits, release them now. और हर एक व्यक्ति जो परिवार में बुरी आदतों से परेशान है उन्हें आप छुटकारा दीजिए प्रभु. Honor them. उनका आदर कीजिए. Honor them. उनका आदर कीजिए. Jesus name. यीशु के नाम में. Let this day be blessed. ये जीवा ये दिन आशीषित होने पाए. Let them have everything that they are asking right now. और ये जो कुछ भी मांग रहे हैं ये सब कुछ प्राप्त करें. Give them victory in their examinations. इनकी परीक्षा में इन्हें विजय दीजिए. Every job that they need to get, give it to them. हर एक काम हर एक नौकरी जो इन्हें चाहिए ये इन्हें दीजिए प्रभु. Give admission in the best program. सबसे अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन दीजिए. And all the finances for their blessing. और इनकी आशीष के लिए सारा धन का प्रबंध कीजिए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. My friend. मेरे दोस्तों. We have a 24 hours telephone prayer tower. हमारा 24 घंटे का टेलीफोन प्रेयर टावर है. You can call any time for prayer. आप किसी भी समय प्रार्थना के लिए फोन कर सकते हैं. The number is on the screen. हमारा नंबर स्क्रीन पर है. And also come to the nearest prayer tower so that our prayer intercessors can pray for you. और साथ ही करीबी prayer tower में आइए ताकि हमारे प्रार्थना मध्यस्थ आपके लिए प्रार्थना कर सकें. You can be anybody, all are welcome. आप कोई भी हो सकते हैं, सभी का स्वागत है. And the prayer tower is opened from morning 8 to night 8 p.m. और prayer tower सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुला रहता है. Daily. प्रतिदिन. But you can call the telephone prayer tower which is open 24 hours. आप telephone prayer tower में फोन कर सकते हैं जो कि 24 घंटे खुला होता है. And we have prayer intercessors who speak different languages. और हमारे प्रार्थना मध्यस्थ हैं जो कि अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं. Call this number and be blessed. आप इस नंबर पर फोन कीजिए और आशीष पाइए.